नमस्कार, साहिब सलाम, बघेली दुनिया में स्वागत है। मैं हूँ विजय कुमार। जब गांव के एक बुजुर्ग ने हाथ से पीसीसी सड़क उखाड़ दी, देख सब हैरान रह गए। आरटीआई एक्टिविटिस्ट शिवानंद द्विवेदी ने 2 वर्ष पूर्व इसकी की थी शिकायत। गंगेओं जनपद के चौरी का है मामला। रीवा जिले के गंगेओं जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत लाल गांव और चौरी में भी कल 17 मार्च 2023 को कुछ पंचायती अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर के जांच की गई है, जिसमें कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्र की सेवा संभाग क्रमांक 1 श्री टीपी गुरुदवान और सहायक यंत्री गंगेओं जनपद श्री श्रीकांत द्विवेदी वहाँ पर उपस्थित थे और अन्य जो गणमान्य लोग थे वहाँ पर उपस्थित थे ग्राम पंचायत के भी। हमने ये देखा कि जांच के दौरान बुरी तरह से जो पीसीसी सड़कें हैं जिनकी शिकायत की गई थी गुणवत्ताविहीन कार्य की, वो खड़ी हुई वहाँ पर मिली। इसी तरह से जो भी कंक्रीट के वर्क थे, पुलिया निर्माण वगैरह अमानक स्तर के मिले। अन्य शांतिधाम के कार्य थे, ग्रेवल सड़क का निर्माण था और विभिन्न प्रकार के कार्य थे, सभी में अनियमितता दिखी है। चौरी पंचायत में एक अमदहा नाला बनाया गया है जो पूरी तरह से अमानक स्तर का, गुणवत्ताविहीन और एस्टीमेट से हटकर बनाया गया है, पूरी तरह से रिजेक्ट करने योग्य है और कराधान वाले घोटाले में ये सम्मिलित भी है और तब इसका गलत मूल्यांकन हुआ था और इसकी पोल अभी खुल गई है। इसी तरह से एक राजघाट नारा था, उस नाले पर जो एक रपटा बनाया गया है पूरी तरह से जमी दोज था, टूटा हुआ था और 10 लाख का रपटा, वो किसी भी एंगल से लगता ही नहीं था कि वो 10 लाख का है। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 लाख का मटेरियल था और वो भी बुरी तरह से वो टूटा हुआ था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लालगांव और चौरी पंचायत में सब दिक्कत एक बार पुनः परिलक्षित हुई है और इसके लिए हमने कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की हुई है और सभी जो तथ्य थे, फैक्ट थे, वो वीडियो में भी रिकॉर्ड हुए हैं वहाँ पर जाँच के दौरान, तो उसमें कोई लीपापोती करने का सवाल नहीं पैदा होता और यदि कोई अधिकारी ऐसा करते हैं तो उसके लिए वो स्वयं भी जिम्मेदार होंगे।